इस क्लास में सभी विद्यार्थी जो हमारा ट्रांसलेशन का टर्म चल रहा है उस ट्रांसलेशन के टर्म में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो एक चीज कहा जाता है कि हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने से अवॉइड करना चाहिए। देखिए कह दिया गया अवॉइड करना चाहिए, मतलब अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे हम कोई स्पीच लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई एसे लिख रहे हैं, हम कोई ऐसा सेंटेंस ना बनाए जो हमारा किसमें बने, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बने। बस अर्थ अगर आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आ गया या कहीं पर आपको लेख लिखा मिल गया, आपको उसको पढ़ना है, कहीं पर गलती दी गई उसमें सुधार करना है, लेकिन आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप कहीं पर लेख लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ना बनाए, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा सा देखने में ऑड लगता है, इसमें ढेर सारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। क्लियर हो गया? तो सभी विद्यार्थी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज सीखें। देखिए सबसे पहले क्या जान लीजिए फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए हम मॉडल विल और शैल प्रयोग करेंगे, पहली चीज है। एक चीज जान लीजिए मॉडल वर्ब क्या आ गई, विल और शैल। उसके बाद हम कह दिए ये हमारा परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए हमारा क्या है, हैव वर्ब आती, ठीक। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के लिए हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बी वर्ब का। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपकी इतनी हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, फ्यूचर के लिए विल शैल का होगा, परफेक्ट के लिए हैव होगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए बी। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मेट सही करते हैं तो हमारा कुछ इस रूप में बनेगा, विल शैल हो गया, विल शैल के बाद हैव आएगी, हैव के बाद देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, विल। मतलब इतनी तो हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती, ठीक है। मतलब ऐसा कार्य जो यह सो करे, अथवा ऐसा सेंटेंस जिसमें यह सो हो कि भविष्य में कोई कार्य कुछ समय से चल रहा होगा, मतलब कुछ तो पूरा हुआ होगा लेकिन कुछ अभी क्या होगा, कंटिन्यू ऑन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हमने बताया, एग्जाम्पल क्या हम बता रहे हैं, मान लीजिए हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम कहते हैं यही द टेंस विच शोज, ठीक है, विच शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्क, पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्क, ठीक है, that will be in progress for sometimes in the future, for sometimes in the future is called future perfect continuous tense। clear हो गया? मतलब हम कहते हैं ऐसा टेंस जो ये पॉसिबिलिटी शो करे कि फ्यूचर में हमारा कोई काम कुछ समय से क्या है, जारी रहेगा, वो क्या कहलाएगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या हिंदी पहचान लेते हैं, हिंदी आईडी जिसको हम कह सकते हैं, हम यही कहते हैं जिस क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि आते हैं, आपका कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब, अब हम हेल्पिंग वर्ब को आपको यही बता दिया है, आपकी हेल्पिंग वर्ब बन गई, सहायक क्रिया के रूप में हमने लिख दिया क्या, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया अगर हम देखते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों लेगा, क्योंकि बी वर्ब लगी है, बी वर्ब हमेशा क्या लेती है, आईएनजी फॉर्म लेती है, ठीक है। यहां भी एक चीज दिया जाएगा आपका, टाइम, टाइम के लिए हम यहां पर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसके लिए,
पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल सेल के साथ हैव बीन का हम प्रयोग करते हैं, जो इसकी मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, हिंदी पहचान जो होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इंग्लिश पहचान आपको ए बताई गई। क्लियर हो गया? अगर हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट हमारा कुछ इस रूप में काम करता है। हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव बीन। ध्यान दीजिए इसको केवल तोड़ के इसलिए लगाया जाता है कि कहीं पर निगेटिव लगाना होता है, नॉट लगाना होता है, हम दोनों के बीच में प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फार लगाते हैं, इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टाइम का। ये आपका सामान्य फॉर्मेट बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट का। क्लियर हो गया? अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे लिखा गया आई सेल हैव बीन वर्किंग, क्या हो गया, आई सेल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 6 years, क्या हो गया आपका सेंटेंस बन गया, आई सेल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 6 hours। तो आप सभी विद्यार्थी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मतलब सबसे पहले पहचान लिखेंगे इंग्लिश, फिर हिंदी पहचान, फिर हेल्पिंग वर्ब, पुनः मेन वर्ब, फिर उसके बाद फॉर्मेट लिख करके एग्जाम्पल लिखेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।